गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन एजुकेशन टुडे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू आर नेक्स्ट प्रेपोजिशन टू। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। द प्रेपोजिशन टू फॉर मोमेंट, मतलब जो टू प्रेपोजिशन होती है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? मोमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए? मोमेंट के लिए। याद रखें ये मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट है। मोमेंट मतलब गति, हलचल, मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे कि मूवमेंट वर्ब्स होती हैं, जैसे ड्राइव, वॉक, गो, हाइक, फ्लाई, सेल, अराइव एट्सेट्रा। तो अराइव को छोड़ करके जितनी भी सारी ये मूवमेंट वर्ब्स हैं इनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, यू नो वेरी वेल आई गो टू स्कूल। वी आर फ्लाइंग टू सैन फ्रांसिस्को ऑन थर्सडे फॉर अ मीटिंग। द कैप्टन सेल टू द क्लोजेस्ट पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह। अब मैंने शुरू में कहा था कि ड्राइव, वॉक, गो, हाइक, फ्लाई, सेल एंड अराइव, तो अराइव के साथ है जो वो एट का प्रयोग होगा, ना कि टू का। क्लियर? ये एक्सेप्शन में है। तो जो टू का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। और जैसे कि मूवमेंट वर्ब्स कौन से होती हैं? ड्राइव, वॉक, गो, हाइक, फ्लाई, सेल एट्सेट्रा। और याद रखना अराइव एक मूवमेंट वर्ब्स है, मूवमेंट वर्ब है, बट इसके साथ एट का यूज होगा, ना कि टू का। जैसे आई अराइव्ड एट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है टू एज टाइम एक्सप्रेशंस। तो टू का जो यूज है वो टाइम एक्सप्रेशंस के लिए भी किया जाता है, मतलब टाइम की अभिव्यक्ति के लिए भी करते हैं। लेकिन वो टाइम की अभिव्यक्ति कैसी होती है? वो फिनिशिंग टाइम और एंडिंग टाइम के रूप में होती है। तो जो फिनिशिंग टाइम होता है उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं और एंडिंग टाइम टू। तो एंडिंग टाइम के लिए टू का यूज़ करते हैं। जैसे शी प्लेड द पियानो फ्रॉम 10 to 12। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो यहाँ पर ये क्या है? टाइम एक्सप्रेशन। मतलब इसके लिए हम प्लेस एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी हम फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है टू इन फेरिजल वर्ब्स। तो टू का जो यूज है वो फेरिजल वर्ब्स के लिए किया जाता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? वेट विद प्लेजर फॉर समथिंग हैपन्स। ऑब्जेक्ट टू समथिंग का मतलब होता है एम, एम समथिंग, एम एट समथिंग। उसके बाद आता है अपील टू समवन। अपील टू समवन का मतलब क्या होता है? अपील करना, किसी से अनुरोध करना। बॉयल डाउन टू समथिंग। बॉयल डाउन का मतलब क्या होता है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब निष्कर्ष निकालना कह सकते हैं इसको, निचोड़ निकालना। गेट टू समथिंग मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो इस तरह से हम जो ये फेरिजल फेरिजेज हैं इनके साथ हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, अपील टू, बॉयल डाउन टू समथिंग और गेट टू समथिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आई लुक फॉर वार टू सीइंग यू सोन। पीटर ऑब्जेक्टेड टू द वे ही एक्टेड। दैट कार रियली अपील टू सुसैन एंड जस्ट अ मोमेंट आई विल गेट टू दैट सब्जेक्ट सोन। ही इट बॉयल्स डाउन टू दिस यू नीड टू वर्क हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट आता है टू एज इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज। मतलब जो टू का यूज है वो इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज के लिए भी किया जाता है। मतलब हम कि जो इन्फिनिटिव होते हैं टू इन्फिनिटिव, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी, भी मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो टू है वो यहाँ पर किसके रूप में यूज हुआ है? टू इन्फिनिटिव के रूप में। क्लियर? यहाँ पर जो टू है वो टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। आई स्पेंट सम मनी टू गेट सम हेल्प। तो यहाँ पर टू गेट क्या है? इन्फिनिटिव है। क्लियर? तो इन्फिनिटिव के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का। टू इन्फिनिटिव मतलब क्या था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे आता है लिंकिंग फ्रेजेज विद टू। मतलब जो टू का यूज है वो कुछ फ्रेजेस के साथ होता है, जैसे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब पर्याप्त सीमा तक। एक्सटेंट का मतलब होता है फैलाव, सीमा, ठीक है। टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक, या हद कह सकते हैं। टू बिगिन और स्टार्ट विद, बी टू बिगिन यूज करते हैं, टू बिगिन एंड स्टार्ट विद। टू सम अप, सम अप क्या होता है?
किसी भी चीज को संक्षेप में वर्णन करना। नरेटिव इन ब्रीफ, नरेटिव ब्रीफली, टू टेल द ट्रूथ, टू टेल द ट्रूथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टू का यूज है वो फ्रेजेस के साथ भी होता है, जैसे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, टू बिगिन या स्टार्ट विद, टू सम अप, टू टेल द ट्रूथ। उसका उसके बाद आता है लास्ट जो इसका यूज है वो है कंपैरिजन के लिए। तो मतलब क्या कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, जैसे मेनली आपने याद रखने हैं सुपीरियर जूनियर इन्फेरियर एक्सटेरियर सीनियर प्रेफर, इनके साथ हमेशा है जो वो टू का यूज होगा। इसका यूज होगा टू का, ना कि देन का, याद रखें। जैसे ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर देन मी आया है तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही इज सीनियर टू मी। क्लियर? तो एक बार क्विकली इनको रिवाइज करते हैं। टू का जो यूज है वो होता है द प्रेपोजिशन टू फॉर मोमेंट, मतलब मोमेंट के लिए। किसके लिए यूज होगा मोमेंट, मतलब याद रखना आप इसके अंदर मोमेंट वर्ब्स हैं, जैसे ड्राइव, वॉक, गो, हाइक, फ्लाई, सेल एट्सेट्रा, ये मोमेंट वर्ब हैं जिनके साथ डेफिनेटली टू का यूज होगा। मोमेंट वर्ब अराइव भी है बट उसके साथ एट का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है टू एज टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि यहाँ पर जो टाइम एक्सप्रेशन होगा, टाइम की अभिव्यक्ति होगी, वो दो तरह से होगी। एक फिनिशिंग टाइम होगा और एक एंडिंग, एक होगा स्टार्टिंग टाइम। तो जो स्टार्टिंग टाइम होगा, स्टार्टिंग टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। और जो फिनिशिंग टाइम होगा, एंडिंग टाइम होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे टू का। क्लियर? नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, अपील टू समवन, ऑब्जेक्ट ओ सॉरी बॉयल डाउन टू समथिंग, गेट टू समथिंग एट्सेट्रा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टू एज इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज। इन्फिनिटिव के रूप में यदि आपने इन्फिनिटिव पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर, नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब होती हैं वो पढ़ी है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब प्रयोग करते हैं तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है लिंकिंग फ्रेजेज विद टू, मतलब कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जिनको हम टू लगा करके ही लिंक करते हैं, जैसे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, टू बिगिन विद, टू सम अप, टू टेल द ट्रूथ। और लास्ट जो यूज है वो है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन में आप याद रखेंगे सुपीरियर जूनियर इन्फेरियर एक्सटेरियर सीनियर प्रेफर एट्सेट्रा के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। क्लियर? अब कल जो हमने एक्सरसाइज की थी, जो कि 01, मतलब 1 मई को जो हमने एक्सरसाइज आपको होमवर्क के रूप में दी थी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उसका सलूशन है। तो देखें, आई एग्री विद यू, तो एग्री के साथ हमेशा विद का यूज़ होगा, याद रखें। एग्री के साथ किसका यूज़ होगा, विद का, ये हमने किया था। नेक्स्ट आता है डोंट मिक्स विद बैड बॉयज, मतलब बुरे बच्चों के साथ मत जाओ या उनकी संगति में मत पड़ो। नेक्स्ट आता है सेंड ऑन अ डॉक्टर एट वंस, सेंड ऑन मतलब बुलाना, तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में आएगा, तो जब हम वो यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू, मतलब ये होता है बेसिकली कि यदि वर्ब के साथ, यदि फर्स्ट वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेंड का मतलब यदि हम सिंपली देखें तो क्या होता है, भेजना, बट ऑन लग गया तो क्या मतलब हो गया, सेंड ऑन, सेंड ऑन मतलब क्या गया, कॉल, बुलाना। नेक्स्ट था ही इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो वेट के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है, याद रखें आप। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम मोहन ब्रदर इज इन करनाल, तो करनाल जो है क्या, एक बड़ी सिटी है, तो उसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, तो जम्प के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो लुक के साथ क्या आएगा, आफ्टर। ठीक है, तो अलग मतलब लुक के साथ, जब आप आफ्टर, वैसे लुक के साथ फॉरवर्ड भी, लुक इनटू भी यूज करते हैं, लेकिन लुक आफ्टर जब यूज करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो लुक का मतलब ऐसे देखना, लुक आफ्टर क्या होगा, देखभाल करना। नेक्स्ट आता है माय ब्रदर डील्स इन शुगर, तो इस तरह से हम जब डील्स के साथ है जो वो
क्या होता है, इन का यूज होता है डील के साथ। किसका यूज होता है? इन। डील के कई मीनिंग होते हैं। डील बिजनेस करना भी होता है, डील का मतलब है जो मीनिंग है, जो व्यवहार करना भी होता है। ही वंडर्ड एट योर कंडक्ट, तो वंडर, सरप्राइज, अमेज, तो इनके साथ हमेशा एट का यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है द महाभारत वाज रिटन बाई वेद व्यास, तो ये पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में हमने पढ़ा था बाई प्रेपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ही केम बाई एन एरोप्लेन, तो ये साधन के रूप में है, बाई मीन्स ऑफ, एज मीन ऑफ, हमने पढ़ा था बाई का प्रयोग होगा, जब हम साधन के रूप में यूज करते हैं तो बाई का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 डेज, तो यहाँ पर 2 डेज एक अमाउंट ऑफ टाइम दी गई है, तो इसके साथ हम फोर का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस का। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।